मंगलवार को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर छात्र संघ के जिला उपाध्यक्ष निहाल कुमार सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कन्या उत्थान योजना के 2016 से 2019 सत्र के लिए जल्द राशि निर्गत करने के संबंध में अपील की गई। छात्रों ने रजिस्ट्रार के माध्यम से डीएसडब्ल्यू को जो ज्ञापन सौंपा, उसमें 2019 से 22 सत्र के प्रथम खंड की परीक्षा में आ रही समस्या की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। ज्ञापन सौंपने के बाद छात्रों को परीक्षा नियंत्रक संजय कुमार द्वारा आश्वस्त किया गया कि परीक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। मौके पर छात्र संघ जिला उपाध्यक्ष निहाल सिंह के अलावा विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य कुमार, विश्वविद्यालय प्रभारी अवनीश राहुल, जिला कार्य समिति अध्यक्ष आदित्य झा, जिला आईटी सेल अध्यक्ष मयंक राज, अभिषेक झा, प्रिय रंजक कोहली सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। बिहार छात्र संघ की टीम एग्जाम कंट्रोलर संजय सर से मिलकर 19 से 22 वाले सेशन का जो एग्जाम होने वाले हैं, जिनका उनका दावा करना है कि 2-3 दिन में रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो उन्हीं के समक्ष जाकर हम लोग बातचीत की है, उनसे अनुमति लिए है और उनसे बताया गया है कि 3 दिनों में रिजल्ट अगर नहीं दिए तो घोर आंदोलन यहाँ पर उनकी जिम्मेवार एग्जाम कंट्रोलर सर और विश्वविद्यालय परिषद होंगे। बिहार छात्र संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय में डीएसडब्ल्यू के समक्ष एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कन्या उत्थान के 2016 से 17 वाले राशि अभी तक नहीं मिली है, उसी के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। तो हम लोग अभय सर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, अगर इस पर कार्रवाई आगे चल के नहीं होती है तो बिहार छात्र संघ घोर आंदोलन करने पर विवश होगी और इसके जिम्मेवार विश्वविद्यालय परिषद ही होंगे।